लोकतंत्र के महापर्व यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में उतरे कांग्रेसी विचारधारा से संबंधित उम्मीदवारों को भाजपा के कुछ लोग धमका रहे हैं और उन्हें कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने या भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाकर मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आरोप मंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर ने लगाया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी विचारधारा के उम्मीदवारों को ऐसी धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सत्तासीन भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वहीं उन्होंने कुछ आला अधिकारियों पर भी चुनाव को बेवजह प्रभावित करने का आरोप जड़ा है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी सचेत किया है कि वे अपनी हरकतों से बाज आए वरना कांग्रेस ऐसे अधिकारियों का घेराव करेगी। चेतराम ठाकुर ने आम जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों को मत देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब लोकतंत्र की ग्रास रूट की संस्था पंचायती राज में ईमानदार छवि के लोग बिजी होकर आगे आएंगे। जी सर, आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं और इस दफे काफी नौजवान पढ़े लिखे, चाहे वो पुरुष हो नौजवान लड़कियां हो, काफ़ी मात्रा में अच्छी तादाद में नॉमिनेशनें हुई है और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश प्रदेश को है। मगर इन चुनावों में हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास सूचना आई है जगह जगह से कि जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर जिला परिषद और पंचायत समिति को लेकर के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, एमएलए द्वारा, मंत्रियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि आप चुनाव मत लड़िए, आप हमारे पक्ष में विड्रॉ कीजिए, और उनको आगे आने से रोका जा रहा है और खास तौर पर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है जो माइनॉरिटी सेक्शन से, शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं या दूसरे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन पर ये ज़्यादा प्रभाव इस किस्म का डाल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, उन विधायकों को, उन मंत्रियों को, जहाँ भी इस प्रकार की बात हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी अगर नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में या जहां ये घटना होगी सड़कों पर उतरकर सरकार का, उस व्यक्ति का, उस कार्यकर्ता का विरोध करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्रजातंत्र में क्या अगर कोई पंचायत का प्रधान, पंचायत समिति का मेंबर या जिला परिषद, क्या सारे जो लोग उनको समर्थन देंगे क्या सारे उस पार्टी में हो जाते हैं? ये वहाँ पर जो कैंडिडेट जो होते हैं, जो उतर रहे हैं, वो उनके रसूख पर डिपेंड करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, 10 साल का, 5 साल का कार्य, उनका जो पीछे जो बैकग्राउंड है, किस किस्म की बैकग्राउंड है। अगर वो ईमानदार होगा, बेईमान नहीं होगा, ईमानदार होगा, लोगों के प्रति समर्पित होता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, उनका पूरा लोगों को चुनने का अधिकार है। मगर जो जिनकी छवि बेईमानों की होगी, झूठ बोलने वालों की होगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले की होगी, वो तो किसी भी दल के आदमी को नहीं चुनने चाहिए, कोई भी दल हो। जब ये, क्योंकि पंचायती राज संस्था एक नींव है, जब हम इसमें भ्रष्टाचार, सभी को भ्रष्टाचारियों को आगे लाएंगे तो निश्चित रूप से गरीब आदमी पर इसका असर होगा, हिमाचल की गरीब जनता पर इसका असर होता होगा। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरे, हमारे नोटिस में ये भी बात आई हुई है कि हमारे कुछ एक अधिकारी जो अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस किस्म के निष्पक्ष होने दीजिए बात, जो नियम के तहत उसको होने दीजिए
और प्रभावित करने की, अगर चुनाव में प्रभावित करने की, अगर किसी विशेष दल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अगर इस दल को समर्थन करना और दखल देने की बात अगर कोई भी अधिकारी करेगा उसके खिलाफ भी हम उसके कार्यालय में जा करके उनको पूछेंगे और उनको वहाँ पर धरना दिया जाएगा। जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने गलत किया तब तक हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली दफ़े मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ ये इस चैनल प्रेस मीडिया के माध्यम से। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कुछ एक विधायक कुछ एक लोग इस किस्म का प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हमारी सरकार है जो हम बोलेंगे वही होगा। एक कहाँ का नियम है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनको एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ दी हुई है। अब जो लोग इसमें जिन्होंने इनको मत नहीं दिया है क्या उनकी सरकार नहीं है? ये गलत बात है। सबकी सरकार है, चाहे कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में पास करता है सबकी सरकार है, सबको बराबर का हक है। इनको केवल एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ दी हुई है, ये संचालन करने की शक्ति दी है वर्तमान जो लेजिस्लेचर बैठे हैं, इनको इस बात की समझ होनी चाहिए। अब वो बात नहीं है, आज जमाना सब पढ़े लिखे व्यक्ति है, कल सरकार दो साल में बदलेगी, क्या हम सारे प्रदेश का काम नहीं करेंगे, सबका काम करेंगे? तो इस किस्म की प्रवृत्ति को हटाना होगा और पॉजिटिव दिशा में हमको काम करना है।